दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। हर दिन आपको टेक्नोलॉजी में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। आज आप घर बैठे बैठे कोई भी काम कर सकते हो। आपको खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, आप जोमाटो स्विगी फूड पांडा में खाना ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर तक आधे घंटे में खाना डिलीवर हो जाएगा। आपके घर में बाइक नहीं है, कार नहीं है, आप बाहर ट्रैवल करना चाहते हो, आप ओला बुक कर दीजिए, आपके घर तक कैब पहुंच जाएगा। ऐसा ही एक फील्ड है जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसको हम ई लर्निंग बोलते हैं, जहां पे आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो। लेकिन क्या ई लर्निंग ऑफलाइन मोड ऑफ लर्निंग से बेहतर है? क्या आने वाले टाइम में ई लर्निंग पूरी तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस कर देगा? इन सब चीजों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज आप ये वीडियो को जरूर पहले से लेकर एंड तक देखते रहिए। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को एडी स्टूडेंट्स पे। आइए जानते हैं। दोस्तों मुझे याद है जब मैं स्कूल जाता था तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए शाम को ट्यूशंस जाता था। आज भी बच्चे ट्यूशंस जा रहे हैं, लेकिन 2-3 साल पहले जब से ई लर्निंग बहुत हद तक हाइप में आ चुका है, तब से ये एक्स्ट्रा क्लासेस का जो मार्केट है उसको कैप्चर करके रखा है। तो क्या ई लर्निंग वाकई में ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम से बेहतर है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, यहाँ पे अंडर डेवलप्ड एरियाज। यहाँ पे भारत में आज भी आपको बहुत सारी जगहों पे अंडर डेवलप्ड एरियाज देखने के लिए मिलती है। तो वहां पे स्कूलिंग भी अच्छी तरीके से नहीं होती है और टीचर्स भी वहां पे अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन दो चीज ऐसी है जो कि सालों भर साल जो है अच्छी तरीके से उभर कर सामने आ रही है। सबसे पहले जो है वो है स्मार्टफोन, और एक जो है वो है इंटरनेट पेनिट्रेशन। तो ये बहुत हद तक हर जगह पे आजकल पहुंच चुके हैं। तो इसलिए जहां पे स्कूलिंग अच्छी नहीं है, फैकल्टीज अच्छा नहीं है, तो वहां पे स्मार्टफोन्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस और टाइम इफेक्टिवनेस। आज अगर मैं 12th बोर्ड क्लियर कर रहा हूं, मुझे अगर एंट्रेंस एग्जाम देना है, मुझे अगर कोचिंग लेना है, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो 1 साल ड्रॉप करके मैं कोचिंग ले रहा हूं, तो यहां पे अगर आपकी लोकेलिटी में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। वहां पे उनकी एक फीस होती है, वो फीस आपको देनी होगी, साथ ही साथ आपको हॉस्टल में रहना होगा, उसके भी चार्जेस होते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगते हैं। तो वो सब कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो टोटल में आपको भारी भरकम एक फीस देनी होगी। यही सेम चीज अगर मैं आपको ई लर्निंग के बारे में बताऊं, आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हो ऑनलाइन, वहां पे आप कोचिंग ले सकते हो, सेम चीज को, सेम कोर्स को लगभग आप 50% कम दाम में, बिना ट्रांसपोर्टेशन का, बिना कोई हॉस्टल फी का, आप घर बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है, वही सेम कोर्स को आप अवेल कर सकते हो। जब मैं आपको एजुकेशन की कॉस्ट के बारे में बताता हूं, तो 2008 से 2014 तक लगभग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो 175% बढ़ चुकी है। तो इसीलिए ई लर्निंग इस समस्या को दूर करता है। और एक चीज भी मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं कि 2016 में लगभग 5.3 मिलियन स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेस या फिर ई लर्निंग में एनरोल हुए थे, और भारत जो है ई लर्निंग के केस में दूसरे स्थान पर है यूएसए के बाद। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए इंडिया में प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो आईआईटी हो, एनआईटी हो, ये सब लिमिटेड है, और इनमें जो सीट्स होती हैं ये भी बहुत लिमिटेड है। तो जिन लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाती है तो उनको तो अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाती है, लेकिन दूसरे बंदों का क्या, जो कि बाहर एडमिशन लेते हैं या फिर कहा जाएगा तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उनको भी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जरूरत होती है। ई लर्निंग इसी फासले को दूर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेपटेल, NPTEL, जो कि एक नेशनल प्रोग्राम है जो कि IIT और IAS के द्वारा फाउंड हुआ था। यहाँ पे आप अपने मनपसंद के कोर्स को चूज कर सकते हो और ट्यूटर को चूज कर सकते हो, जो कि ज्यादातर IIT और IAS के फैकल्टीज होते हैं, और वहां पे आप पढ़ाई कर सकते हो। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज ई लर्निंग जो है बहुत हद तक ये जो फासला होता है प्रीमियर इंस्टीट्यूट और नॉर्मल इंस्टीट्यूट का, इसको वो दूर कर देता है। बहुत बहुत प्लेटफॉर्म्स आपको मिल चुके हैं, बहुत बहुत एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जैसे बाइजू हो, मेरिट नेशन हो, वेदांतु हो, आस्क आईडियन, खान अकेडमी, अन अकेडमी, तो ये सब चीज जो है ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आप लाइव 1-to-1 अपने ट्यूटर के साथ बात कर सकते हो, आप डाउट क्लियरिंग क्लास भी वहां पे कर सकते हो, साथ ही साथ यहां पे आपको टैबलेट्स मिल जाते हैं, कोर्स खरीद सकते हो। तो यहां पे जो चीजें आप नॉर्मली फिजिकली आप करते हो, ट्यूशंस वगैरह जाते हो, तो ऑनलाइन के जरिए वो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ई लर्निंग पूरी तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस कर देगा? तो जवाब है नहीं।
ऐसा नहीं है कि कोई बंदा स्कूल नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा, घर बैठे बैठे पढ़ाई करेगा ऑनलाइन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, आपको एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको स्कूल में ही मिलेगा। अगर आप टेंथ में पढ़ाई करते हो तो आपको फिजिक्स लैब की जरूरत होती है, आपको केमिस्ट्री लैब की जरूरत होती है, आपको बायो लैब की जरूरत होती है। ऐसा तो नहीं है कि केमिस्ट्री लैब में जो जो केमिकल्स हैं आप घर ले आओगे और घर में ही आप एक्सपेरिमेंट करने लगोगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको एक माहौल की जरूरत है जो कि आपको स्कूल में ही मिलेगा। तो आने वाले टाइम में ई लर्निंग स्कूल और कॉलेज को तो रिप्लेस नहीं करने वाला है, लेकिन स्कूल और कॉलेज की बाहर की दुनिया, जो एक्स्ट्रा क्लासेस की दुनिया है जहां पे एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चे जाते हैं, उस मार्केट को बहुत हद तक आज ई लर्निंग कैप्चर कर चुका है और आने वाले टाइम में भी ये कैप्चर करके रखेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ई लर्निंग के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।